शेट्टी साहब का किया जाए स्वागत। शेट्टी साहब देखा आपने जब आशु जी की स्ट्रेटजी के वक्त आपका हाल क्या होता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वो जो चेहरा आपका दिखाया था। पूछे क्यों? अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, लहराते हुए लंबे लंबे बाल आपको पसंद नहीं आए? ग्रेजुअली ग्रो हो रहे हैं, पहले बीच में थोड़े हाँ पूरे ऐसे, लेकिन वो ठीक तो था ना वैसे? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जी जी अच्छी क्रिएटिविटी थी, अच्छी क्रिएटिविटी जिन्होंने भी। लेकिन एक चीज मैं बताऊँ, आप जैसे हैं वैसे ज्यादा अच्छे लगते। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दस की कमाई में। सेठी साहब तैयार है, पालिया साहब तैयार है। पहले पालिया साहब बताएंगे गुजरात अल्कलीस के बाद उनकी पसंद का पोजिशनल पिक, बताएं सर। तो जी पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गोदरेज इंडस्ट्री। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दो साल से स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के वीकली मंथली चार्ट पे हुआ है। जिस तरीके से एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट बने हैं, हमें लग रहा है अब ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख सकता है पोजिशनल बेसिस पे वो होना चाहिए करीब 900 रुपए की तरफ। तो गोदरेज इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस स्टॉक का वो होगा करीब 720 के आसपास। ओके, जी लेटर पर पूरा भरोसा कर रहे हैं पालिया साहब। जी लेटर पर पूरा भरोसा कर रहे हैं पालिया जी। गुजरात अल्कलीस, गोदरेज इंडस्ट्रीज, तीसरा की बेसिंग कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन शेर साहब के पास चलते हैं। पारस डिफेंस के बाद शेर साहब डिफेंसिव है, जैसे शेर साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, अब डिफेंस के बाद रेलवे का नाम लगा, आप स्टॉप लॉस नियर कॉस्ट ट्रेड करिए। डेल्टा कॉप है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय बागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए जल्दी से मैं आपको शॉर्ट टर्म पिक्स भी बता दूं। पालिया साहब पहले तो आप बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी फॉर गुजरात अल्कलीस, जी फॉर गोदरेज इंडस्ट्री, समझ तो गए होंगे आप। तो अनिल जी तीसरा स्टॉक जी लेटर पे नहीं है वो समझ तो गए लेकिन फिर भी नहीं समझे। सर बताए। तो ये स्टॉक का नाम है मैक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा, जिसका टिकर है NSE टिकर। ये स्टॉक में देखें तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3-4 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट देखने को मिले थे प्रीवियस वीक में, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और सेक्टर भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है पूरा रियल एस्टेट स्पेस। हमें लगता है लोढ़ा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे जो आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में वो करीब 1120 से लेके 1150 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 960 रुपए के आसपास। ओके, तो 1028 पर ट्रेड कर रहा है मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई पालिया साहब की तरफ से शॉर्ट टर्म के लिए 960 का स्टॉप लॉस। सर साहब आपकी शॉर्ट टर्म पिक। सर बिल्कुल अनिल जी, जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है आफ्टर डिफेंस और रेलवे मिड कैप आईटी।